तो स्टूडेंट्स अब हम आगे करेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा होती है हमारी यहाँ पे तीन प्रकार की, ठीक है जी। पहली होती है हमारी लिखित भाषा, दूसरी होती है हमारी मौखिक, और तीसरी होती है हमारी सांकेतिक। इनमें से जो मुख्य रूप होते हैं भाषा के वो दो ही होते हैं, लिखित और मौखिक। तीसरा हमारे पास सांकेतिक आता है। लिखित भाषा का रूप क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को लिख के बताते हैं, ठीक है। मौखिक कौन सा होता है? जब हम किसी चीज़ को बोल के बताते हैं। और सांकेतिक क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को इशारों से बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो पहले एक बार पूछा भी गया था कि भाषा का सबसे उत्तम रूप कौन सा है। तीनों में से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे उत्तम रूप कौन सा है, तो याद रखना भाषा का सबसे उत्तम रूप होता है हमारे पास लिखित। लिखित क्यों होता है बेटा? देखो, मौखिक के अंदर अगर मैं आज आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप दूसरे को बोलोगे, तीसरे को तक जाएगी बात, धीरे धीरे क्या होगा, जो मैंने आपको बात बोली है जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उस बात के अंदर चेंज आता चला जाएगा, ठीक है ना। हमारा मैसेज क्या होता है, जो एक्चुअल मैसेज होता है वो कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। तो मौखिक के अंदर हमारा मैसेज जो है वो रिटेन नहीं रह पाता। बट अगर कोई चीज़ हम लिख के रख दें, जैसे हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, वो लिखित में है। आज जो लिख दिया जाए, जब तक वो लिखी हुई चीज़ रहेगी उस मैसेज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम मानते हैं कि भाषा का जो सबसे उत्तम रूप है वो लिखित है। डन।